अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है वो IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस रिक्वायर्स दैट एसेट मस्ट नॉट बी ओवर स्टेटेड, यानी हमें एसेट्स क्या करना, ओवर स्टेटेड नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे अब हम बैलेंस शीट में एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए है। अकॉर्डिंगली IS-36 इंश्योर दैट एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। सो IS-36 क्या चीज इंश्योर करता है कि एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट है वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, वो अब जैसे अब आप लोग बुक वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अगर आप एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और फिर अगर प्रीवियस ईयर के कोई इम्पेयरमेंट लॉसेस है तो वो आप उसको माइनस करते हैं तो कैरिंग अमाउंट आ जाती है, यानी कि जो आपकी बुक में अमाउंट आ रही होती है कैरिंग अमाउंट वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी रिकवरेबल अमाउंट से। Therefore, IS-36 requires that if an asset carrying amount exceeds its recoverable amount, then it is written down to the recoverable amount by recognizing impairment loss. So, जो assets की value होती है, वो उसकी recoverable amount से ज्यादा books में record नहीं होना चाहिए। अगर record होगी तो इसका मतलब है कि market में ये asset की fair value कम है और आपकी books of accounts में वो overstated हुई भी है। तो अगर overstated हुई भी है तो ऐसी amount को हमें कम करना होता है और उसको हमने उसकी recoverable amount पे record करना होता है। और ये हम करते हैं IS-36 के तहत। IS-36 हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि इसको हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। IS-36 किस तरह के एसेट्स की, कौन कौन से एसेट्स को कवर करता है, कौन कौन से एसेट्स इसके स्कोप में नहीं है और कौन कौन से एसेट इसके स्कोप में आते हैं। तो सबसे पहले IS-36 इज नॉट एप्लीकेबल टू वेरियस एसेट, बिकॉज IFRS एप्लीकेबल टू दोज एसेट्स हैव मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट द रेलेवेंट एसेट इज नॉट ओवरस्टेटेड, यानी कि वो जो एसेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो IFRS होते हैं उनका मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि वो एसेट्स को ओवरस्टेट होने ही नहीं देते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है IS-2 की, जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड है। और आपको पता होगा कि IS-2 में जो इन्वेंट्री मैयर होती है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे होती है। तो जब लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे होती है तो वो ऑलरेडी लोअर पे ही है, तो हायर होने का या उसकी कैरिंग अमाउंट के हायर होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। तो इसलिए इस पे IS-36 अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आप ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस पे भी IS-36 अप्लाई नहीं होता। तो IS-36 किस पे अप्लाई होता है, सबसे पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि IS-16 के तहत जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं उन पे आप इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का टेस्ट लगा सकते हैं, यानी IS-36 अप्लाई हो सकता है। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने मेजर की हुई है कॉस्ट मॉडल पे, तो उस पे फिर हम देखेंगे कि उस पे इम्पेयरमेंट अगर है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स पे ये IS अप्लाई होता है। की डेफिनेशंस हैं उसमें, सबसे पहले हमारे पास है इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे तो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। अब कैरिंग अमाउंट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि कैरिंग अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन
एन एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस देयर ऑन, यानी कि एसेट्स हम अपनी बैलेंस शीट में किस तरह रिकग्नाइज करते हैं कि एसेट की अमाउंट में से हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करते हैं तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और उसमें से जो हायर होती है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है। पहली चीज क्या है, पहली चीज आप जो लेंगे वो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और आप उसको किससे कंपेयर करते हैं, वैल्यू इन यूज से। इन दोनों में से जो भी हायर आ रही होती है वो रिकवरेबल अमाउंट होती है, और अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। ये कैरिंग अमाउंट है और ये रिकवरेबल अमाउंट है, और इनमें से फिर जो कैरिंग अमाउंट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाए रिकवरेबल अमाउंट से तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज पीवी होती है या प्रेजेंट वैल्यू होती है उन एसेट से रिलेटेड तमाम एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज की। तो अगर आपको सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लो दिए हुए हैं तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी हुई है तो निकालनी होगी, वरना प्रेजेंट वैल्यू जनरली पीवी होती है। पी वैल्यू इन यूज कहलाता है। फेयर वैल्यू जो आपकी आप कह लें मार्केट वैल्यू होती है एक आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन में, जिसमें आप कह लें कि बायर या सेलर मौजूद होते हैं एक मेजरमेंट डेट पे, तो वो उसकी फेयर वैल्यू कहलाती है। देन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। एसेट्स की सेल से रिलेटेड या डिस्पोजल से रिलेटेड कॉस्ट होती है, डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और इसमें फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस शामिल नहीं होता। दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस एंड कैरिंग अमाउंट। तो एग्जाम्पल वन एंड टू है, हम एक्सेल शीट पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। एन एसेट हैज कैरिंग अमाउंट ऑफ, यानी आपको क्या चीज दी हुई है, कैरिंग अमाउंट एसेट्स की दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 5,30,000। वैल्यू इन यूज एसेट की गिवन है 5 लाख, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दी हुई है। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। अभी हमने रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन पढ़ी, रिकवरेबल अमाउंट। सो रिकवरेबल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर किस चीज को करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और इसको हम कंपेयर करते हैं वैल्यू इन यूज से। तो इन दोनों में से जो हायर होता है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है। तो अगर आप देखें आपके पास जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ रही है 4,70,000। 4,70,000 इसको हम कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज से, और वैल्यू इन यूज कितनी दी हुई है, 5 लाख दी हुई है। तो फिर आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हायर ऑफ टू है, तो इन दोनों में से हायर कितना है, 5 लाख। सो 5 लाख इज योर रिकवरेबल अमाउंट। हमने क्या किया, सिंपल दो चीजों को कंपेयर किया, हमने देखा कि हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है और वैल्यू इन यूज कितनी है, और इन दोनों में से जो हायर था
वो हमने ले लिया, वो आपका रिकवरेबल अमाउंट है। दूसरी है डेफिनेशन, दूसरी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इम्पेयरमेंट लॉस में हम देखेंगे कैरिंग अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे रिकवरेबल अमाउंट। सो जितनी कैरिंग अमाउंट एक्सीड होगी वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा। तो अब आप देखें आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट गिवन है, और वो कितनी गिवन है ये देखें, ये कैरिंग अमाउंट गिवन है 5,30,000, और रिकवरेबल अमाउंट ये 5 लाख अभी हमने कैलकुलेट की। तो हम यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, कैरिंग अमाउंट हमारे पास 5,30,000 आ रही है और रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख अभी हमने कैलकुलेट की थी। इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 30,000। सो 30,000 इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। और नेक्स्ट लास्ट रिक्वायरमेंट है कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। और इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि कैरिंग अमाउंट हम बल्कि फॉर्मूले से यहाँ पे कर लेते हैं, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट, और इसमें हम ऐड कर, इसमें से हम लेस कर देंगे अगर आपकी कोई भी इम्पेयरमेंट हुई होगी, तो हम इसमें से लेस कर देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो कैरिंग अमाउंट बिफोर आपकी थी 5,30, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5,30, और 5,30 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास मौजूद, ये हमने कैलकुलेट किया है लास्ट रिक्वायरमेंट में। सो लास्ट रिक्वायरमेंट से हम इम्पेयरमेंट लॉस ले लेंगे 30,000, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 30,000। तो आपके पास जो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट रिव्यू आ रही होगी वो आपकी कितनी आ रही होगी, वो आ रही होगी 5 लाख। तो ये एग्जाम्पल वन थी, बिल्कुल इसी तरह हम एग्जाम्पल टू देखते हैं। और एग्जाम्पल टू में आपसे क्या पूछा हुआ है, एसेट्स की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, वैल्यू इन यूज दी हुई है, फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया हुआ है, और तीनों चीजें आपने सेम आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ से फॉर्मूले तीनों हम अपने कॉपी कर लेते हैं और अमाउंट हम यहाँ से ये हो गया कॉपी, और अमाउंट हम डिफरेंट ले लेंगे जो भी सवाल में दी हुई है। तो यहाँ से हम ये भी इसको डिलीट कर देते हैं और अमाउंट हम डिफरेंट ले लेंगे। सो कैरिंग अमाउंट आपको 490 दी हुई है, वैल्यू इन यूज आपको 5 लाख दी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आपको 470 दी हुई है। तो सबसे पहले हमने रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन है हायर ऑफ टू थिंग। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो फेयर वैल्यू 4,70,000 दी हुई है, इसको हम कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज से, तो वो कितनी है, वो आपके पास मौजूद है 5 लाख। तो हम इसको 5 लाख से कंपेयर करेंगे, तो हायर ऑफ टू है, तो इन दोनों में से जो हायर है वो कित वो कौन सी अमाउंट है, 5 लाख है। तो हमारे पास जो 5 लाख इज योर रिकवरेबल अमाउंट। सो हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की 5 लाख, और अब हम कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन है इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट।
सो यहाँ पे हमारे पास फोर कैरिंग अमाउंट सबसे पहली लाइन में हमें दी हुई है 490, इसमें से हम माइनस कर देंगे रिकवरेबल अमाउंट जो कि कितनी आ रही है 5 लाख। तो यहाँ पे आप देखिए कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं हो रही, कैरिंग अमाउंट आपकी कम है, रिकवरेबल अमाउंट आपकी ज्यादा है, तो इसका मतलब है इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन ही यही है कि इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, निल, कोई आपकी अमाउंट जो है वो नहीं है, आप कहने के एक्सीड नहीं हो रही। इसी तरह कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस है, तो कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास 490 था, और इसमें से हमने इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास था ही नहीं, तो जो कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट थी वही कैरिंग अमाउंट आपकी आफ्टर इम्पेयरमेंट हो जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे कि अगर हमारे पास डिस्पोजेबल कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आप कह लें, डिस्पोजल ऑफ एसेट, वो निग्लिजिबल हो तो क्या होता है, और अगर वो निग्लिजिबल ना हो तो क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।